नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एज 42 वर्ष, इन्होंने मुझे बता रखी है। सवाल थे कि बिजनेस करते हैं तो क्या बिजनेस अच्छा चलेगा, आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा, सक्सेस मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, जो मुझे इनके हाथ में दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू कर दे। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखूँ तो ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है, और देखिए आपकी भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हुई, जैसे जैसे बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे आपकी भाग्य रेखा ने लगभग आप मान के चलिए कि 38वें वर्ष में कदम रखा, उसके बाद भाग्य रेखा हल्की हो गई है। तो मान सकता हूँ कि 30s में आपने अच्छा पैसा कमाया है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है आपको फाइनेंशियल तंगी बढ़ती जा रही है। और इसके बाद अगर आपकी भाग्य रेखा को आगे देखेंगे, आगे भी इतना कोई दमखम है भाग्य रेखा में नहीं देख पा रहा हूँ। जो मजबूती थी वो केवल इस एरिया में मुझे, यानी 30s या फिर 40 से आने तक दिख रही थी। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा पैसा नहीं कमाएंगे, बस इतना भी मैं कह सकता हूँ कि भाग्य रेखा कमजोर है। भाग्य रेखा को मजबूत करने के जो उपाय रहते हैं वो मैं आपको दे दूँ, और आप वो डेली करते, रेगुलर करते, तो आप देखेंगे कि आपकी भाग्य रेखा मजबूती आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पर तो थोड़ी बहुत ठीक है, बट बुढ़ापे में ये बिल्कुल नहीं है। बुढ़ापे में एक फोर्क बन रहा है, तो देखिए संतान के द्वारा भाग्य होगा, आपकी इनकम एक तरह से खत्म ही हो जाएगी बुढ़ापे तक आते आते, या फिर 50s तक पहुंचते पहुंचते आपकी इनकम पूरी तरह खत्म हो सकती है। और आपका जो जीवन यापन रहेगा बुढ़ापे के अंदर, आपकी संतान के द्वारा रहेगा, संतान के पैसे से रहेगा। इस तरह के आपके हाथ में मैं योग देख पा रहा हूँ। देखिए, अभी फिलहाल के लिए मैं कह सकता हूँ कि भाग्य रेखा मजबूत नहीं है, बट हाँ, अगर मेरे उपाय आप डेली करते, रेगुलर करते रहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो मैं आपको उपाय दूंगा आपको डेली करने देंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपने उपाय 1-2 महीने किए और असर दिख गया। नहीं, मेरे उपाय जादू नहीं करते, सिंपल साधारण से होते हैं। तो डेली अगर करते रहेंगे कम से कम 2 साल के अंदर आपको असर दिखना शुरू होगा। 4 से 5 सालों के अंदर आपका भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा। 5 साल बाद अगर आप देखते हैं, चेक करते हैं, तो आपकी भाग्य रेखा काफी मजबूत आपको मिलने वाली रहेगी। तो उपाय आप डेली कीजिएगा, उससे आपकी भाग्य रेखा मजबूत होगी। इसके अलावा यहाँ पर मनी ट्रायंगल बना हुआ है। देखिए, व्यक्ति पैसा कमाए या ना कमाए, ज्यादा कमाए कम कमाए, फर्क नहीं पड़ता। यदि हाथ में मनी ट्रायंगल, तो ना कमाने के बावजूद भी व्यक्ति पैसा जोड़ेगा और अच्छा पैसा सेव होगा। मैंने मनी ट्रायंगल अमीर से अमीर और गरीब से गरीब के हाथ में देखा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति पैसा बड़ा कमाएगा। कुछ लोग होते हैं मनी ट्रायंगल देख के बताते हैं कि आप करोड़पति बनेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने काफ़ी ज़्यादा अमीर और गरीब लोगों के हाथ में ट्रायंगल देखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो पैसा जुड़ेगा और पैसा बचेगा। तो अगर कम भी कमाएंगे तो भी पैसा बचेगा, पैसा जुड़ेगा, आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट से आपको बड़े बड़े लाभ मिलेंगे। ये आपके हाथ का मनी ट्रायंगल आपकी भाग्य रेखा दिखा रही है। कम कमाने पर भी व्यक्ति पैसा जोड़ देता है। अच्छा, सेविंग्स बहुत उत्तम रहती है। ये इस बात का भी संकेत है कि आपको बुढ़ापे के अंदर पैसे की तंगी नहीं आएगी। और जो आपका वर्क है वो लग्जरी से जुड़ा हुआ है, सुख सुविधा और फैशन डिज़ाइन, ये सारी जो चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें शुक्र के उसमें आती हैं। शुक्र आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, तो ये बिजनेस आप कर सकते हैं। बट हाँ, मैं आपको कहूँगा, जिस प्रकार की आपकी भाग्य रेखा है, इसके साथ साथ कोई और बिजनेस भी कीजिए, साइड बाय साइड कोई और बिजनेस डालिए। क्योंकि जिस तरह की आपकी भाग्य रेखा है, इस तरह से आपका जीवन सफल नहीं हो पाएगा। तो मेरी एडवाइस रहेगी, इसको आपको करिए, बट इसके साथ साथ एक और बिजनेस, एक और कार्य आपका होना चाहिए, जिससे कि आपकी सेविंग्स बढ़ती रहे, आपकी घर में इनकम अच्छी आती रहे। बाकी देखिए, अगर किस्मत के फैक्टर देखा जाए तो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी है। तो देखिए, आपको जीवन में मौके बहुत मिलेंगे आगे बढ़ने के। अगर एक बिजनेस बंद करेंगे तो 4 बिजनेस पहले खुल जाएंगे, यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटीज, आगे बढ़ने के मौके बारंबार आपको मिलते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करें, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट से भी बड़े फायदे ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। अंगूठे पर यहाँ पर यफ साइन बन गया है। अंगूठे पर यफ साइन बहुत सिंपल अच्छा होता है, बढ़िया होता है। इसका मतलब ये कि सपने बहुत लॉजिकल आते हैं, लॉजिकल सपने पितरों का आशीर्वाद ये अंगूठा दिखाता है। अंगूठा मान चले तो हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करेंगे, व्यक्ति कभी भी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं वाला होता। यहाँ पर जो आपकी मणिबंध की एक ही रेखा है वो भी जालीदार है। तो देखिए, अगर ऐसे व्यक्ति जिस भी धर्म का पालन करते हैं, उस धर्म का नाम जाप करते हैं सुबह सुबह उठकर, तो व्यक्ति को लाभ मिलता है। एवं उस धर्म के प्रति कार्य करते हैं और समाज के लिए कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि समाज का भला हो, अगर ऐसे कार्य करते हैं तो इसमें आपकी रेखा सुधरेंगी और आपको जीवन में बड़ी तरक्की खुद ब खुद देखने को मिलेगी इन रेखाओं की वजह से। यदि आपके हाथ में चंद्र देखा जाए, चंद्र आपके हाथ में अच्छे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर महादेव की व्यक्ति, देखिए ये फर्क नहीं पड़ता किस धर्म से रिलेटेड है, बट ये है कि अगर महादेव की व्यक्ति कैसे भी अनजाने में भी हो जाए तो व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, व्यक्ति के दिन सुधर जाते हैं। जो आपके हाथ का बाहरी मंगल है, बाहरी मंगल ठीक ठाक है, इस पर आपकी मस्तिष्क रेखा आकर टकरा रही है। देखिए, जब मस्तिष्क रेखा बाहरी मंगल पर आकर मिले तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के अंदर एग्रेशन बहुत है। देखिए, मंगल यानी अग्नि, तो अग्नि जैसा स्वभाव रहता है, व्यक्ति की बातों में एग्रेशन लगता है, व्यक्ति की बातों में पॉजिटिविटी बहुत रहती है, व्यक्ति किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी दिखा सकता है। जल्दबाजी में निर्णय लेना, गुस्सा जल्दी आना, हर काम में फुर्ती दिखाना, और जैसे अग्नि झलकती है, अग्नि का जो तेज होता है, बातों में तेज, दिमाग में तेज रहता है व्यक्ति के जीवन में। ये चीज़ आपकी मस्तिष्क रेखा दिखा रही है, विचारों में व्यक्ति के एक मान सकते हैं कि हर काम को करने की जल्दबाजी,
या फिर हर काम को करने के लिए उत्सुकता बहुत रहती है। जो आपके हाथ का गुरु है, गुरुदेव बृहस्पति, वो अच्छी अवस्था में गरीबों को अगर दान दक्षिणा करते हैं, अन्नदान वस्त्र दान से भी आपका भाग्य जल्दी और अच्छा होगा। सूर्य के चित्र पर मैं देख पा रहा हूँ, सीधी खड़ी सूर्य रेखा है और यहाँ पर आपके हाथ में इस प्रकार ये नीचे की ओर फैल रही है। तो करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन रहेगी कि कभी कभी आपका मन करेगा कि कुछ और काम किया जाए। बिजनेस में बदलाव करने के संकेत हाथ में सूर्य पर बन रहे हैं। बुध का क्षेत्र ठीक ठाक है, सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर मौजूद है, तो व्यापारिक क्षमता अच्छी है, बिजनेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको मल्टीपल लैंग्वेज की जानकारी, मीठी वाणी, मध्यम सुंदरता, एट्रैक्टिव फैसिलिटी, संतान सुख और बिजनेस का समझ, ये सारी चीज़ आपको अच्छी मिलेंगी इस कॉम्बिनेशन की वजह से। बुधवार के दिन अगर हरे वस्त्रों का दान करते हैं तो उससे भी लाभ मिलेगा। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है, समझदारी की ओर इशारा करती है। सभी समझदार होते हैं और सही समय पर सही निर्णय ले लेते हैं। जीवन में जल्दबाजी में अगर भावनाओं में अगर गुस्से में अगर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता है, इस तरह के आपके हाथ में मुझे आपकी धनुषाकार रेखा पर दिख रहे हैं। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके हाथ की जो उंगलियाँ हैं, यहाँ पर देखिए, ये अंडर डेवलप है, ये भी अंडर डेवलप है, ये भी अंडर डेवलप है और ये भी अंडर डेवलप है, या फिर ये खुले हुए हैं। जब ये फेलेंजेस खुले हुए होते हैं, इसका मतलब ये पाया जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में खर्च ज़्यादा करेगा, जितना पैसा बचा सकते हैं उतना नहीं बचा पाएंगे। ऑलमोस्ट पैसा बचता है, मैं ये नहीं कह रहा पैसा नहीं बचेगा, बट जितना बचा सकते हैं, जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है उतना नहीं बचेगा, उसमें कम ही रहेगा। आपके हाथ के 12 फेलेंजेस जो राशि को दिखाते हैं, मैं हर वीडियो में 12 राशियों को गिनता हूँ, वो भी आपके हाथ में सही है। इसमें भी गिन लेता हूँ, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, जो 12 राशियाँ होती हैं, ये आपके व्यवहार, आपके जीवन यापन, आपके कामकाज के तरीके, आपके जीवन में ग्रहों की दशा महादशा को दिखाते हैं। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए तो संतान सुख की रेखा यहाँ पर मुझे दिख रही है, और देखिए ये आपके हाथ की विवाह रेखा, विवाह आपका अच्छी समय पर हुआ है, सही टाइम पर हुआ है, विवाह में आपको देरी या फिर विवाह में दिक्कत नहीं आई है आपको। जो आपके हाथ की हृदय रेखा है, देखिए हृदय रेखा को देखेंगे, हृदय रेखा आपके हाथ में अच्छी है, मजबूत है, बट देखिए हृदय रेखा जा रही है डायरेक्ट गुरु के बीच में और शनि के बीच में, दोनों के बीच में गई है, या तो शनि के बीच में जाती है या फिर गुरु के उसमें जाती है, बट ये दोनों के बीच में चली गई है। देखिए बीच में जब जाती है हृदय रेखा तो डुअल प्रभाव, यानी दो तरह के प्रभाव मिलते हैं। क्या इसका मतलब ये कि व्यक्ति सबसे पहला स्वार्थी होगा, पैसे का स्वार्थ दिखा सकता है, मनी माइंडेड आपको ये रेखा बनाएगी, ऐसे कि बहुत मनी माइंडेड होते हैं। इसके अलावा गुरु की ओर जब झुकाव आने लगे तो व्यक्ति समाज सेवा भी करता है, यानी समाज सेवा भी करेगा, अपना पैसा भी बचाएगा, दोनों चीज़ बैलेंस में रहती है। एक समय पर अच्छा पैसा बचाता है, इस समय पर दानी दक्षिणा, दान धर्म जैसा नेचर भी आपका रहने वाला रहेगा। ये इस बात का भी संकेत है कि आपका नेचर देवदूत टाइप है, सबका भला चाहते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, सबका अच्छा चाहना, सबका अच्छा करना, सबके बारे में अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, इस तरह के लक्षण आपके हाथ में गुरु पर्वत में मुझे दिख रहे हैं। और देखिए ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है तो अगर किसी के 50 रुपये भी आ रहे हो तो उसके सामने से आकर लौटाता है। मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में घूम गई है, इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा में घुमाव, यानी दिमाग इस तरह बड़े बड़े चेंज, व्यक्ति अपने दिमाग से जो सोचेगा वो करेगा नहीं, ऐसा व्यक्ति सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, होता कुछ और है, इस तरह की चीज़ें रहती है। व्यक्ति के दिमाग में बड़े बड़े चेंज आते हैं, लाइफ को लेकर मॉरल और वैल्यूज जो होती है जिन जीवन की, वो बहुत बदलती है। व्यक्ति अपने दिमाग से कभी एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, टेंशन परेशान, टेंशन दिक्कत परेशानी जीवन में चलती रहती है, व्यक्ति टेंशन से कभी मुक्त नहीं रह पाता। बाकी मस्तिष्क को सही करने के कुछ रेमेडीज होते हैं, कुछ उपाय होते हैं, अगर आप वो डेली कर लेंगे, मैं आपको दूंगा, अगर आप डेली करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। ये आपके हाथ की जीवन रेखा है, जीवन रेखा आपके हाथ में इस प्रकार घूम रही है। देखिए जीवन रेखा जब घूमती है, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने परिवार का फुल सपोर्ट पाएगा, परिवार से फुल सपोर्ट, माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदारों का पूरा सपोर्ट रहता है, और व्यक्ति जो पैसा कमाता है अंत में अपनी फैमिली को ही दे देता है, यानी फैमिली से कभी अलग नहीं रहेंगे, फैमिली के ही प्रति जीवन यापन करेंगे, अपने जीवन का बड़ा हिस्सा फैमिली का भला करने में नौछावर करेंगे। ये योग आपकी जीवन रेखा दिखा रही है, परमात्मा द्वारा आपको अच्छा जीवन मिला हुआ, जितना भी जीवन मिला है उसको सार्थक बनाइए, दान दक्षिणा करके अपने लिए कुछ पुण्य जमा कीजिए, जिससे कि आपको आगे चलकर दिक्कत परेशानी ना हो। जितने आप अपने पुण्य जमा करेंगे उतना आपको उसमें लाभ मिलने वाला रहेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को पैसा कमाने के साथ साथ दान दक्षिणा, गरीबों के काम आना, जरूरतमंदों के काम आना, ऐसे कार्यों में लिप्त रहना चाहिए, जिससे कि आपका भला भी, आपके पुण्य भी बढ़ते रहें। तो इस तरह के योग आपकी जीवन रेखा दिखा रही है। लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में ट्राइंगल बन रहा है, तो बहुत बुढ़ापे के अंदर प्रॉपर्टी आएगी, 100% प्रॉपर्टी आने के बुढ़ापे में योग दिख रहे हैं मेरे को। इसके अलावा चंद्र से भी एक रेखा आ रही है, तो ट्रैवलिंग अच्छी खासी करवाएगी, ट्रैवलिंग की अच्छा खासा करता है, जितना नए नए जगह घूमने जाएंगे, नए लोगों से कुछ ना कुछ सीखेंगे, उन नई सीखी गई चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, उससे लाभ कमाएंगे। तो चंद्र के भी अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, महादेव की युक्ति आपके लिए निभा रहे हैं, महादेव की युक्ति जैसे जिस प्रकार भी करेंगे उसमें लाभ रहेगा आपको। तो मैंने आपकी पाम का चीज़ पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सौलभ्य आप मिले होंगे। देखिए आपके पाम के हेलेट क्या है, पाम के हेलेट ये है कि आपकी भाग्य रेखा कमजोर है, तो मुझे आपको भाग्य रेखा को मजबूत करने कुछ उपाय देने देंगे। देखिए भाग्य बनता है कर्मों से, अच्छे कर्मों से, दान दक्षिणा से, लोगों के भले से, तो जो मैं आपको उपाय दूंगा वो लोगों के भले के लिए दान दक्षिणा, अन्नदान और वस्त्र दान से आधारित रहेंगे, बट आपको
समय समय पर करने रहेंगे। महीने में 2 बार अन्नदान, महीने में 2 बार वस्त्रदान करना ही करना रहेगा, सॉरी महीने में 2 बार अन्नदान और साल में 2 बार वस्त्रदान आपको करना ही करना रहेगा डेली और हमेशा के लिए। अगर आप वो डेली करते, अगर आप मान के चलिए आपने महीने में 2 बार अन्नदान किया, साल में 2 बार वस्त्रदान किया और आप ये रेमेडीज लगभग कम से कम 10 से 20 साल तक लगातार करते रहे, तो आपका भाग्योदय बहुत अच्छा होगा। आपको वो तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपकी किस्मत में, वो भी मिलेगा परमात्मा की कृपा से जो आपकी किस्मत में नहीं है। तो देखने के तुरंत बाद व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स अपनी क्वेरीज लिख दीजिएगा, जो रह गए हम नहीं बता पाए वीडियो में। आप एनालिसिस से सेटिस्फाई है नहीं है जो भी आपका रिव्यू है वो बता दीजिएगा। इसके अलावा उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा कि आप मुझे भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय दे दीजिए, तो आपको सारे उपाय डिटेल में दे देंगे। तो ये 3 चीज लिंक ना भूलिएगा, उपाय डेली से डेली कीजिएगा। लिंक जो आपको मिलेगा वीडियो को संभाल के रखिएगा, लिंक से आपको इस वीडियो को आप कभी देख सकते हैं। आज से 5 साल 10 साल 15 20 50 साल हमेशा के लिए हमारे चैनल पर रहेगी, जब चाहे तब इसे खोल कर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।